मध्य प्रदेश के खरगोन में शादी समारोह में भोजन करने पहुंचे 22 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उन्हें ताबड़तोड़ खरगोन लेकर आए, निजी चिकित्सालय में उपचार जारी है। क्षेत्रीय निर्दलीय विधायक बच्चों का हाल जानने पहुंचे तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भगवानपुरा थाना क्षेत्र के सिरवेल में एक शादी समारोह में भोजन करने पहुंचे करीब 25 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। अचानक हालत खराब होने पर सभी बच्चों को जिला मुख्यालय लाया गया। जिला मुख्यालय स्थित एक निजी हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चों को भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उपचार जारी कर दिया है। सूचना मिलते ही भगवानपुरा विधानसभा के निर्दलीय विधायक केदार डावर बच्चों का हाल जानने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर्स से बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा दाल चावल खाने के बाद से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी और उपचार के बाद में बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। किधर? क्या खा लिया वहाँ? जोर से बोल बेटा, क्या क्या खाया? चावल और सब्जी खाई थी। फिर क्या हुआ? उल्टी होने लगी। 22 बच्चों को रात को लाया था, एम्बुलेंस से लाया सिरवेल में। कोई सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें भोजन का, और 22 बच्चों ने इन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में वो दिया था, यहाँ विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल में लेकर रात को भर्ती किया, उनका इलाज किया। इलाज उसके बाद में इलाज के बाद में वो उल्टी वगैरह पहुँचने लगे। बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अब उनको छुट्टी है। क्या कारण क्या था? फूड पॉइजनिंग होना सही संभव है, खाने में कोई दूषित चीज़ आ गई। स्थिति कंट्रोल शादी में खाना खाया। क्या खाया खाना? चावल। कितने बच्चे लाए? सभी ने दाल चावल खाए थे। फिर दाल चावल खाने के बाद क्या हुआ? सभी को उल्टियाँ हुई। यहाँ कब भर्ती करा जिला अस्पताल में? 11 बजे रात को लाए। तुम वहाँ जिला अस्पताल से यहाँ क्यों भर्ती करते? वहाँ सरकारी से यहाँ प्राइवेट में क्यों लाए? हमारे ग्राम सिरवेल के लोग और गांव में शादी फंक्शन था, वहाँ पे ज़्यादा खाने पीने में आया, इसके कारण फूड पॉइजनिंग हुई थी। और उनको औपचारिक रूप से उपचार के लिए भर्ती कराया था। अभी सभी को देखा, सब लोग स्वस्थ हैं और लगभग छुट्टी होने की स्थिति में। बड़ी संख्या में 25 बच्चे भर्ती हुए हैं। हाँ नहीं, कुछ ही लोगों किस तरीके खाने में क्या क्या दाल चावल, हमारा अक्सर आदिवासी समाज में जो कार्यक्रम होता है दाल चावल खिलाते हैं, उसको हमारी भाषा में कुदरी भी कहते हैं। हम दाल चावल लेकर कहते हैं, वो कुदरी कहते हैं। और 10-12 लोगों जैसी जानकारी मिली, बच्चों को पॉइजनिंग हुआ था, लेकिन एहतियातन तौर पे जो और भाई बच्चे उस पंक्ति में बैठे थे उनको सभी को प्राथमिक उपचार के लिए आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन